अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको 2 साल के बच्चे की निकर और शर्ट बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसानी के साथ हम बच्चों की निकर और शर्ट्स जो हैं वो घर में रेडी कर सकते हैं। आजकल गर्मियां हैं तो लॉन का फैब्रिक जो है बच्चों के लिए बहुत ही जो है वो फ़ायदेमंद रहता है, बच्चे उसमें ईजी रहते हैं। तो ये बच्चे अपने बच्चे के साइज़ के हिसाब से इस तरह से फैब्रिक को कट कर लें। ये डबल फोल्ड करके मैंने इसको कट किया है। अब इसके शोल्डर की कटिंग इस तरह से हम करेंगे। ये फ्रंट और बैक साइड की कटिंग कर ली है हमने। अब जो हमारी फ्रंट साइड है उसको हम सेंटर में से कट कर लेंगे, क्योंकि शर्ट को हमने ओपन रखना है। ये बैक साइड। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। मैं इसकी हाफ स्लीव्स रख रही हूँ। इस तरह से शोल्डर की कटिंग कर लें, सेंटर में से इस तरह से कट रखें। और ये हमारी जो स्लीव्स की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम निकर की कटिंग करेंगे। आप अपने बच्चे के निकर के साइज़ के हिसाब से इस तरह से कटिंग कर लें, जिस साइज़ की आप रखना चाह रही हैं। ये निकर के हम साइड पे कपड़ा जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए हम लगाएंगे। ये ऊपर से नेफे का कपड़ा रखा है और साइड पे जो कपड़ा हमने डिज़ाइनिंग के लिए डाला है। अब शर्ट की पट्टी के लिए जो हमें फैब्रिक चाहिए उसकी कटिंग कर लेंगे। ये 2 पट्टियाँ हमने रेडी करनी है। इस तरह से हम इसकी जो है वो कटिंग कर लेंगे फैब्रिक की। अब इसके ऊपर पेस्टिंग पेपर के साथ इसको पेस्ट करके फैब्रिक पे तो इस तरह से पट्टियाँ रेडी कर लेंगे। ये 2 पट्टियाँ हमने रेडी करनी है और पेस्टिंग पेपर को आप स्लीव के ऊपर इस तरह से पेस्ट करें और स्लीव्स भी रेडी कर लें। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये पट्टी के ऊपर इस तरह से मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है, 4 सिलाइयाँ लगाई हैं। इससे बहुत खूबसूरत सी पट्टी बन जाती है। और कंट्रास्ट में मैं धागा लगाया है रेड कलर का, ब्लू कलर के ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। तो ये इस तरह से हम अपने स्लीव्स की भी जो है वो सिलाई कर लेंगे, उसको भी डबल सिलाई करेंगे। अब आप पट्टी जो है हमने कट किया था शर्ट का फ्रंट साइड, उसकी हम एक साइड की पट्टी जो है उसको हमने लगाया है। इस तरह से आप लगा लें। अब ये दूसरी साइड की पट्टी जो है उसको हम लगाएंगे। उसके एक साइड पे हमने पहले सिलाई लगा लेनी है और फिर दूसरी साइड पे उसको फैब्रिक के साथ अटैच करके फिर हम उसको सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट साइड का जो नेक है उसको हम कट कर लेंगे। शोल्डर की सिलाई हम लगाएंगे इस तरह से। अब शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद उसके ऊपर भी इस तरह से डबल सिलाई लगा लें। आप कंट्रास्ट धागा इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसकी बैक साइड पे मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, सिलाई ही करूँगी मैं। ये देखें, इस तरह से मैंने पहले ट्रेस कर लिया था और उसके ऊपर अब मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। तो ये हल्की सी मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है। ये हमारी बैक साइड की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। शोल्डर भी हमने स्टिच कर लिए हैं। अब हम जो स्लीव्स हैं उनको स्टिच करेंगे। स्लीव्स की सिलाई है जो सेंटर में हमने कट लगाया था, इस कट को आपने शोल्डर की जो सिलाई है उसके ऊपर रखना है और इधर से ही आपने सिलाई करनी स्टार्ट करनी है। इधर से आप सिलाई को स्टार्ट करें और एक साइड पे ले जाएं और फिर आपने नेक्स्ट जब करना है तो इधर से ही स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड पे हम सिलाई करते हुए जाएंगे।
इस तरह से बाजू जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से सिलाई हो जाते हैं। अब हम इधर से ही सिलाई शुरू करेंगे और दूसरी साइड को हम सिलाई कर लेंगे। मतलब हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और फ्रंट साइड को सिलाई कर लेंगे, फिर शोल्डर से स्टार्ट करेंगे और बैक साइड को सिलाई कर लेंगे, और इसके ऊपर अब हम ये डबल सिलाई कर लेंगे इसे। अब ये हमारी शर्ट की जो स्टिचिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। साइड्स की इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे, नीचे से इसे फोल्ड कर लेंगे और नेक जो है उसको हम मगजी लगाएंगे। जो बैक साइड है उसको मैंने हाफ इंच उसका जो नेक है उसको कट किया है, उसको हमने ज़्यादा डीप नहीं करना। और मगजी के लिए आपको रेप कटिंग में कपड़ा चाहिए, उसको आप फ्रंट साइड पे गले के रख के उसको आप इस तरह से सिलाई कर लें। तो रेप कटिंग में जो कपड़ा होता है वो इजीली फोल्ड हो जाता है और बहुत नीट मगजी जो है वो लगती है। अब इसे हम अंदर वाली साइड पे इसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसे सिलाई कर लेंगे। ये हमारी शर्ट की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम निक्कर को सिलाई करेंगे। निक्कर की सिलाई के लिए हमने जो साइड पे इसके कपड़ा लगाया था उसको मैंने इस तरह से सिलाई किया है और उसकी दोनों सिलाइयों को हमने उसके ऊपर डबल सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी नेफे की सिलाई लगाएंगे और नीचे से इसके इसको फोल्ड करके उसको भी हम डबल स्टिच जो है वो कर लेंगे। ये देखें, ये हमारी शर्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है और बहुत ही खूबसूरत बनी है। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।